हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। हाँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को स्केल के विषय में दो वीडियो बना के डाल दिया है। उसमें आप बता दिया कि कैसे विकर्ण मापनी को सॉल्व करेंगे और कैसे प्लेन स्केल को सॉल्व करेंगे। प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल, इनके विषय में मैंने इसको सही से डिटेल में बता दिया था, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है। और मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कैसे प्रॉब्लम आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ को मैंने बता दिया था। बाकी कोई चीज़ अगर उसमें कमी रहती है तो उसको हम फिर से बता देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा चीज़ें। किसी दिन फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर। आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्शन की बात करने हैं। अब प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन में आप लोगों को अच्छे से पता है कि पहला पॉइंट होता है उसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन, इस तरह से टॉपिक हैं। फिर एक है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जिसमें कि आपको कोई ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना के दिखाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, जो कि बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको बस एक बार समझना है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, जिनको हमें याद करना पड़ता है। अब देख लेते हैं कितने बिंदु हैं। जैसे इसमें HP-BP की बात करेगा, HP-BP की बात करेगा तो HP का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर HP की बात कर रहा है, HP मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे बोलेंगे हिंदी में क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्षैतिज तल। और एक होता है BP जिसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन जिसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल। दो चीज़ें हमें मेन याद करना प्रोजेक्शन में, हमें दो चीज़ें ही बेसिकली याद करनी है। एक होता है HP, एक होता है BP। HP का मतलब क्षैतिज तल, BP का मतलब ऊर्ध्वाधर तल। अब देखिए, जैसे ये फ्लोर है, ये फर्श है, तो ये फर्श हमारा कैसा है, ये फर्श हमारा है HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी क्षैतिज तल है ना। क्षैतिज का मतलब क्या, जो पृथ्वी के साथ लगा हो, समतल में हो, हाँ वो तो ये हो गया क्षैतिज। और उसके बाद VP की जब बात करें, वर्टिकल प्लेन क्या हुआ हमारा, वर्टिकल प्लेन मतलब जैसे दीवार खड़ी है, ये जैसे दीवार खड़ी है तो ये वर्टिकल प्लेन होगा इस कंडीशन में। तो ये हो गया VP और ये हो गया HP, ऐसे होता है। ये हो गया VP, ये हो गया HP। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे ये चीज़ मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाया था हमने, ये वाला तल क्या हुआ HP, ये वाला तल हुआ हमारा HP, ये वाला तल क्या हुआ VP, ये वाला तल क्या हुआ VP। अगर अब देखिए, हम अपने सीट पे, जो हमारा सीट होगा, ड्राइंग सीट होगा, उस पर हम ये तो नहीं दिखा सकते ना, ये दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये है, जिस तरीके से ये है, थोड़ा 3D शेप में हमें बनाना दिक्कत हो जाएगा, तो 2D बनाना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ HP, सॉरी इसे लिख देता हूँ VP और ये लिख देता हूँ HP, तो ये देखो, ये अगर इसे VP लिखता हूँ, इसे HP लिखता हूँ, तो ये कैसा है, ये VP है तो इसे VP प्लेन लिख दिया, वर्टिकल प्लेन। ये हमारा HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख दिया। अब क्या करें, अगर इसको ओपन कर दूँ, इस तरह से सीधे कर दूँ, तो आप लोग देखो क्या दिखेगा, एक ऊपर VP वाला प्लेन दिखेगा, नीचे HP वाला प्लेन दिखेगा, और दोनों के बीच में एक लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा, दोनों के बीच में एक लाइन दिखेगा, यानी एक लाइन कौन सी है, XY लाइन इसको बोलते हैं, इसको XY लाइन बोलते हैं। ये XY लाइन हो गया हमारा, XY लाइन के ऊपर क्या है VP, इसके नीचे क्या है HP। अब ये कंडीशन डिपेंड करता है कि पॉइंट जो है हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में है, उसके अनुसार हमारा HP VP चेंज हो जाएगा। जैसे अभी इस कंडीशन में है तो इसे बोलेंगे HP ऊपर है, VP नीचे है। अभी बताऊंगा कौन सा कंडीशन आने वाला है तो कैसा बनने वाला है, ठीक है। तो मेन देखिए ये याद करना था, फिर से समझा देते हैं कि जैसे ऐसे प्लेन था हमारा, ऐसे मेरा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो इधर मैंने इसके ऊपर जो वर्टिकल वाला था लिख दिया VP, जो हॉरिजॉन्टल वाला था उसके ऊपर लिख दिया HP। अब क्या करना है, इसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि 2D बनाना हमें, 3D तो बनाना ही है। ओपन करेंगे तो देखिए, एक ये लाइन दिखेगी, एक ये लाइन दिखेगा, तो ये लाइन हमने XY लाइन खींच दिया। उसके बाद इस लाइन के ऊपर VP हो गया, नीचे HP हो गया, ये कंडीशन हो गया, इसलिए ऐसा लिख दिया। बाकी अब पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन कंडीशन देखेंगे क्या क्या है, उसके अनुसार हम इसमें कोऑर्डिनेट बताते रहेंगे कि किसके साथ कौन सा कोऑर्डिनेट लगेगा। जैसे पॉइंट क्या है, बिंदु का प्रक्षेप हो गया। अगर बिंदु की बात करें, पहला इसमें कंडीशन बहुत सारे होंगे, तो उन कंडीशन के विषय में पढ़ेंगे। अब
कंडीशंस। कंडीशंस कौन कौन सी होती? पहला, यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु पहला कंडीशन, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ यदि कोई बिंदु, ये सबके लिए कॉमन होने वाला है, इसमें पहला लिख दूँ, यदि कोई बिंदु HP यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तल के ऊपर, क्षैतिज तल के ऊपर, यदि कोई बिंदु क्षैतिज तल के ऊपर तथा VP के सामने, तथा VP के सामने हो, यदि क्षैतिज तल के ऊपर VP के सामने, तो कैसा कंडीशन बन रहा है? देखिए पहले इसका बनेगा कैसा उस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए ये एक क्षैतिज तल ले रूम है, इसके ऊपर बोल रहा है और बोल रहा है कि VP के सामने, VP के सामने का मतलब कंडीशन क्या हुआ? देखिए ये हमारा मान लीजिए HP VP है, तो ये हमारा कोई मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का बोल रहा है कि HP से ऊपर है, HP से ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये VP है सामने, तब बोलेंगे सामने का मतलब राइट, सामने का मतलब राइट, राइट अपने से राइट देखेंगे, जब सामने बोलेगा, सामने बोलेगा तो इसको हम समझेंगे कि दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, और जब पीछे बोलेगा, पीछे बोलेगा तो इसका मतलब बाएं तरफ समझेंगे, किसके बाएं तरफ? वीपी के बाएं तरफ। जब सामने बोलेगा तो मतलब दाहिने तरफ देखना है, वीपी के वर्टिकल प्लेन के दाहिने तरफ, और जब पीछे बोलेगा तो वीपी से पीछे देखना, यानी ये वीपी प्लेन हो गया हमारा, ये एचपी हो गया। तो देखिए क्या बोला है कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, बोल रहा है एचपी से ऊपर है, कहाँ बोल रहा है? एचपी से ऊपर बोल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, ये वाली हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ऊपर है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि वीपी के सामने है, तो वीपी के सामने तो मैंने अभी बोला ना कि दाहिने तरफ होगा, तो इस तरफ कोई बिंदु है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है? यहाँ पे ये देखना है कि है किस कोऑर्डिनेट में। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो इसमें यही कंडीशन बोल रहा है कि HP से ऊपर है, ये HP मान लेते हैं, ये VP मान लेते हैं, HP से ऊपर है, VP के सामने, सामने मतलब दाहिने तरफ, कोई बिंदु यहाँ पे है, तो किस क्वाड्रेंट में गया? ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये बिंदु ऐसे हो जाएगा, ऊपर तो गया, इसके साथ साथ यहाँ ए पॉइंट दे दूँ इसका, तो किस क्वाड्रेंट में है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर कैसा बनेगा। और देखिए ये तो ऐसा हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया। सेकेंड अगर बात करूँ, सेकेंड बात करूँ, एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर तथा वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर तथा वीपी के पीछे, अभी मैंने बताया एचपी के ऊपर हो जाएगा और वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, पीछे कौन सा हो गया? बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है इस तरह से। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया? ये हमारा गया सेकेंड कोऑर्डिनेट में। जैसे ऐसा हो गया कंडीशन, एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, तो यहाँ आया बी, तो बी किस कोऑर्डिनेट में है? आप देख लो कि किस में गया, सेकेंड में गया, तो इसको इस तरह बना देंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारा कोई, इससे पीछे यानी बी यहाँ आ गया। अब हम अगर एक प्लेन ड्रॉ करें, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें इससे रिलेटेड, तो ये देखिए ये किस में गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ये किस में गया? सेकेंड में गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कंडीशन इसके पढ़ते हैं, थर्ड कंडीशन इसके पढ़ते हैं, थर्ड कंडीशन इसका है कि एचपी के नीचे, अब नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला कंडीशन अभी बंद करते हैं, नीचे की बात करते हैं, एचपी के नीचे वीपी के सामने, एचपी के नीचे वीपी के सामने, एचपी के नीचे वीपी के सामने, तो कौन सी कंडीशन है? देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझते हैं, एचपी के नीचे यानी एचपी ये है हमारा, इससे नीचे और वीपी के सामने, सामने मतलब दाहिने तरफ, तो इधर आ जाएंगे, किस में गया? देखिए इस तरह से, देखिए क्या बोला है, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के सामने,
बीपी के सामने गया तो किधर आया मैं, इस कोऑर्डिनेट में आया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है, तो ये कंडीशन हो गया। एचपी के नीचे, बीपी के सामने, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया। तो यहाँ देखिए एचपी ये हो गया हमारा, अगर इसको बीपी बोल रहा हूँ, इससे नीचे इसके सामने, यानी एचपी के नीचे बीपी के सामने, तो इधर कौन सा होगा, ये पॉइंट दे रहा हूँ मैं सी, तो सी किस में बन रहा है हमारा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगला कंडीशन देखता हूँ। अगला कंडीशन करने से पहले इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ता हूँ, देखिए फोर्थ कंडीशन, यदि कोई बिंदु एचपी के नीचे तथा वीपी के पीछे है, एचपी के नीचे तथा वीपी के पीछे है, एचपी के नीचे तथा बीपी के पीछे, कैसा कंडीशन हुआ, देखिए ये एचपी था, इसके नीचे तथा बीपी के पीछे, पीछे मतलब बाएं तरफ मतलब इधर आ गए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे, एक्स वाई लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद एक्स एचपी से नीचे है, एचपी से नीचे आ गया, बीपी के पीछे है, पीछे मतलब यहाँ डी, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि गया ये थर्ड कोऑर्डिनेट में गया। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा। अब देखिए ऐसा आएगा, बिंदु एचपी में स्थित है, तो जब कभी एचपी में स्थित की बात कर दे तो इसका मतलब कि वहीं पे पॉइंट लगाना है, वहीं पे क्या करना है, पॉइंट लगाना, किस में, एक्स वाई रेखा पे ही पॉइंट लगाना, जैसे यहाँ पे कंडीशन समझते। अब दो कंडीशन इसमें आएगा कि बिंदु एचपी में स्थित है, यानी यहाँ पे रख दिया, ये कोई बिंदु यहाँ पे रख दिया और बोल देगा वीपी से सामने है या वीपी के पीछे है, ये बोलेगा वीपी के सामने या वीपी के पीछे, अगर सामने बोलता है तो इधर हो जाएगा, पीछे बोलेगा इधर हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसमें है, लेकिन हाँ पता चलेगा थोड़ा बहुत कि दो कोऑर्डिनेट का इसमें वो हो जाएगा, रेंज आ जाएगी, इसमें हो सकता है। जैसे बिंदु एचपी में स्थित है तथा वीपी के सामने है। तो देखिए बिंदु एचपी में स्थित है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट ड्रा करो इस तरह से, ये देखो ये एक्स वाई रेखा हो गई। अब क्या है, ये एचपी होता था, ये होता था हमारा वीपी, ये एचपी होता था, ये वीपी होता, क्या बोल रहा है कि बिंदु हमारा एचपी में स्थित है, अच्छा यहीं कहीं है, अब ये नहीं पता है कि वीपी के पीछे है कि वीपी के आगे है, मतलब सामने है, उसको समझेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा वीपी के सामने, यानी वीपी वाला प्लेन ये है, इसके सामने मतलब दाहिने तरफ, तो यानी बिंदु कहीं यहाँ पे है। तो जब बिंदु दिखाएंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे दिखा देंगे कि ये किसमें है, एक्स वाई रेखा पे है, और इस कंडीशन में हम कोऑर्डिनेट नहीं डिसाइड कर सकते हैं, अभी सामने बोला हुआ है, अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट में है कि फोर्थ में है, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट में है कि फोर्थ में, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। कौन सा हो गया, फर्स्ट और फोर्थ, क्यों, क्योंकि देखिए एचपी में स्थित है, अब ये एचपी में ही स्थित है तो इसको कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेट में गया, और उसके साथ साथ ये हम रेंज दे सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में हो सकता है, जा सकता है, किसमें है, यहाँ पे है, सामने है, तो सामने वाले कंडीशन में कौन कौन सी आती है, फोर्थ और फर्स्ट आता है सामने वाले कंडीशन में, और पीछे वाली कंडीशन अगर वीपी से पीछे की बात करता है तो उस कंडीशन में दो कोऑर्डिनेट आएंगे, सेकेंड और थर्ड आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि कोई बिंदु एचपी में स्थित बोल दिया तथा वीपी के पीछे है, क्या बोला वीपी के पीछे है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया। अब देखिए यहाँ बोला है कि कोई बिंदु एचपी में स्थित है, तो ये मेरा एचपी है, ये मेरा वीपी है, उसके साथ बोल रहा है कि बिंदु जो है वीपी के पीछे है,
कहाँ है बिंदु? बिंदु हमारा वीपी के पीछे है, पीछे का मतलब इधर आ गया, इधर मतलब कहीं यहाँ पे होगा, एचपी में स्थित है यानी यहाँ पे। तो इस कंडीशन में कौन से क्वाड्रेंट में गया इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारा सेकंड में भी जा सकता है और थर्ड में भी जा सकता है, क्योंकि एचपी की स्थिति बताई है केवल एचपी में है यानी एचपी में स्थित है, ना तो बोला है कि एचपी से ऊपर है ना तो बोला है एचपी से नीचे है, ये चीज़ बोला है। बिंदु एचपी है में है मतलब कि धरातल के ऊपर रखी गई है, क्षैतिज तल के ऊपर बिंदु कोई लगा दी गई है उसकी बात कर रहा है। तो ये कंडीशन होगा, ये हो गया चाहे फर्स्ट में हो जाए, चाहे सेकेंड में हो जाए चाहे थर्ड में हो जाए, इसके ऊपर डिपेंड करता है ऊपर नीचे देगा तब। अभी फिलहाल पीछे बोलेगा, तो पीछे के लिए मैंने क्या बोला था, पीछे के लिए मैंने बोला था कि ये सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन हो सकता है। सामने के लिए अगर बोलेगा तो ये सामने के लिए बोलेगा तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का सिस्टम हो सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये क्या हुआ, ये वाला सेकेंड एंड थर्ड हो सकता है, जब पीछे की बात करेगा सेकेंड एंड थर्ड हो सकता है क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है, जब पीछे बोलेगा सामने बोलेगा तो फर्स्ट और फोर्थ में जाएगा। आगे देखते हैं इसके क्या कंडीशन हो सकता है। अब इसके कंडीशन हो गया, अभी तो बिंदु को मैंने एचपी में रखा था, अब बिंदु को मैं रखता हूँ वीपी में, बिंदु को रखता हूँ वीपी में, ठीक उल्टा चलेगा, अब उल्टा चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा सेवंथ वाला, यहाँ बोलेगा बिंदु वीपी में स्थित है, बिंदु वीपी में स्थित है तथा एचपी के ऊपर है, एचपी के ऊपर है, बिंदु वीपी में स्थित होगा तथा एचपी के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, एक ये हमारा क्या है वीपी है, ये हमारा क्या है एचपी है। देखिए वीपी में स्थित है तो इधर भी हो सकती है इस वाले लाइन पे कहीं भी, इधर भी कहीं भी ये लाइन पे हो सकता है। तो उसके लिए देखिए क्या बोला है कि एचपी के ऊपर है, तो एचपी के ऊपर मतलब इधर कहीं आ जाएगा, तो किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है, एचपी के ऊपर कोई बिंदु ए, एचपी है मेरा इसके ऊपर, मैंने बोला तो इसी बिंदु इसी लाइन पे हमारा वीपी है, बोल रहा है कि वीपी में स्थित है यानी वर्टिकल प्लेन वाला यही लाइन है इसी में दिखेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और उसके साथ किस में आ जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये हमारा देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड में से किसी में भी ये जा सकता है, जा सकता है कि मीन्स कि अभी तो वीपी में स्थित है तो कैसे बोल सकता हूँ कहाँ जा रहा है, फिलहाल मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेकेंड में हो जाए और सॉरी फर्स्ट में हो जाए और सेकेंड में हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट अगर करें बात एट्थ की, तो बोलेगा कि वीपी में स्थित है बिंदु, वीपी में स्थित है बिंदु, वीपी में स्थित है तथा एचपी के नीचे है, एचपी के नीचे है, एचपी के नीचे है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ बना लेते हैं हम, एचपी के नीचे बोल रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। देखिए ये एचपी हुआ हमारा, ये हमारा वीपी हुआ, इससे नीचे बोल रहा है, इससे नीचे मतलब इधर आएगा और जो मेरा बिंदु होगा इसी वीपी वाले लाइन पे कहीं होगा, इससे नीचे मतलब यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं बोला हुआ है एचपी से नीचे अब वीपी प्लेन में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट हो सकता है, इसका नाम अगर बी दूँ ये हो सकता है मेरा थर्ड और फोर्थ में से किसी में भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी इतना हो सकती है इसकी कि ये थर्ड में चला जाए या फिर फोर्थ में चला जाए, इस चीज़ को हमें समझना है। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, एक लास्ट पॉइंट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बोल देगा कि इस कोऑर्डिनेट पे स्थित है, अब आपको उसका प्रोजेक्शन बनाना है। अभी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि बिंदु कैसे कैसे हो सकती है, अभी मैंने आपको प्रोजेक्शन नहीं बताया। नेक्स्ट देखते हैं आई एक्स, नाइन्थ वाला पोजीशन जो है, यदि कोई बिंदु एचपी तथा वीपी दोनों में स्थित है, एचपी तथा वीपी दोनों में स्थित है, अगर दोनों में स्थित बोल दिया तो देखिए तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे हो जाएगा बिंदु। देखिए एचपी वाली ये हुआ, अब वीपी वाली ये हुआ, कह रहा एचपी में भी स्थित है वीपी में भी स्थित है,
तो देखिए अगर मैं बीपी में यहाँ स्थित करा दूँ, एचपी में यहाँ स्थित करा दूँ, तो अगर एचपी में यहाँ स्थित करा देता हूँ, बीपी में यहाँ स्थित करा दूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एचपी बीपी में ही स्थित है, तो इसका मतलब इसके मूल बिंदु पर स्थित है। यहाँ पर हमारा बिंदु स्थित है, इसका नाम अगर ए देता हूँ तो हमारा बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, जो एचपी से और बीपी में ही स्थित है, यानी एचपी बीपी दोनों में स्थित है। तो उस कंडीशन में हमें मूल बिंदु पर दिखाना है, केवल इस तरह से पॉइंट दिखाना है। इतनी बातें हो गई हमारा, इसका कंडीशन की बातें हो गई, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इतनी चीज़ें मैंने बता दिया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए समझाया, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि बिंदु एचपी तथा बीपी से इतना और इतना एमएम दूर है तथा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, या बोल देगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, या बोल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस अनुसार हमको यहाँ पे करना पड़ेगा कि कैसे करना हो, उसको करना कैसे, सारी पॉसिबिलिटी अभी बता देंगे हम। फिलहाल अभी देखते हैं कि अगर एच पी से नीचे, अगर नीचे का नाम लेता है, नीचे का, नीचे मतलब बिलो के अगर नाम लेता है, अगर बिलो के नाम लेता है कि बी पी से बिलो है, तो उस कंडीशन में जब बिलो होगा तो कौन सी कोऑर्डिनेट हो सकती है हमारा? थर्ड और फोर्थ हो सकती है, थर्ड और फोर्थ हो सकती थी। सामने है, इन फ्रंट है, ये फ्रंट में बोला है, और ये पीछे है, बिहाइंड है। जब बिहाइंड का नाम लेगा तब हमारा किस में हो जाएगा? सेकेंड या फोर्थ, थर्ड में हो सकता है। जब इन फ्रंट बोल दे तो उस कंडीशन में किस में होगा? फर्स्ट और फोर्थ में हो सकता है। और अगर बोल दे नीचे, यानी बिलो बोल दे, तो ये बोल देगा कि थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। बिलो का मतलब क्या? इसके नीचे, एचपी के नीचे किस में हो सकता है? थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। अब बोल दे कि ऊपर, ऊपर, या फिर बोल दे कि अबव, अब एच पी बोले, तो उस कंडीशन में देखिए एच पी, ये हमारा एक्स वाई रेखा है, एच पी ये हो गया, इसके ऊपर की बात कर रहा है, मतलब इसमें तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट है? ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो किस में जा सकता है? फर्स्ट और सेकंड में जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड में जा सकता है। क्लियर हुआ? इतनी चीज़ें हो गई हमारा, अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, अभी थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म होगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएंगी उसको देख लेंगे। अच्छा, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सबसे इजी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जिनको कंफ्यूजन हो रहा है बाद में कर लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा याद करने वाली है, कुछ नोट करने वाली पॉइंट है, तो उसको नोट कर लेंगे। जैसे जैसे कि अगर बोला है सामने या पीछे वाली कंडीशन दिया हुआ है कि एचपी के सामने है या पीछे है, तो जैसे ये रेखा है हमारा, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट करके, नोट, जैसे यहां पे होगा HP से अगर कोई दूरी दे रहा है, HP से कोई दूरी दे रहा है, यानी नीचे बोल दे या ऊपर बोल दे, तो उसको कैसे दिखानी है? उसको डैश के साथ दिखानी है। यदि कोई बिंदु HP के ऊपर या नीचे बोलता है, HP के ऊपर या नीचे बोलता है, तो उस बिंदु का नाम जो है उसको डैश के साथ दिखाना है। तब एग्जाम्पल के तौर पर लिख लूँ, अगर HP और BP को ऊपर, HP के ऊपर बोल रहा है, BP के ऊपर, सॉरी HP के ऊपर या नीचे बोल रहा है, उस कंडीशन में कैसे दिखानी है? डैश के साथ दिखानी है, जैसे A डैश, B डैश, C डैश। जैसे यहाँ पर समझिए, ये XY रेखा हो गया, XY रेखा हो गया, और बोल दिया HP से ऊपर है, बोला क्या? HP से ऊपर है, कितना? 10 mm। तो HP से ऊपर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ बिंदु लगा देंगे, यहाँ पॉइंट दिखा देंगे कि कितना है, 10 mm है, 10 mm दिखा देंगे, और इसका जो नाम लिखेंगे ए डैश, किसके साथ होगा? ए डैश। ऐसे दूसरी कंडीशन हो सकती है कि HP के नीचे है, HP के नीचे है, यानी यहाँ आ गया, इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम क्या हो सकता है? मान लीजिए लग देता हूँ B, तो इसका नाम होगा B डैश, और इसको बोल दिया मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 mm नीचे है, तो ये 15 mm लिख देंगे यहाँ पे। तो यानी कि इसको कैसे दिखाना है? डैश के साथ दिखाना है, और जो हमारा HP के ऊपर होगा उसको डैश से, तथा HP के नीचे बोला तो उसको डैश से। और दूसरा, अगर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अगर बोलता है कि HP के, BP के सामने या BP के पीछे, तो उसको दिखाना है विदाउट डैश। अगर बोल रहा है कि BP के सामने या
पीछे, सामने या पीछे बोल रहा है उसको दिखाना हमने विदाउट डैश से। और जब वीपी का बात चल ही रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, वीपी के साथ जो भी पॉइंट होगा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा। उसको देखते हैं फिलहाल, वीपी से पीछे, तो वीपी के पीछे जब भी होगा, जैसे मान लीजिए अभी उसके इसके अनुसार बना देता हूँ, कोई कंडीशन ये हुआ एचपी से ऊपर है तो इसे ए डैश, वीपी के पीछे है तो इसे विदाउट डैश, एचपी के ऊपर है डैश के साथ, एचपी के इधर है तो विदाउट डैश। अगर वीपी वाले बिंदु का जो नाम देना है उसको देना है विदाउट डैश के साथ नाम लिखना है, एचपी वाला जो आएगा ऊपर नीचे अगर बोला है एचपी से ऊपर एचपी से नीचे तो उसको लिखना है डैश के साथ, इतनी कंडीशन है। और इसके साथ साथ यहाँ लिखेंगे एचपी वाली बिंदु, वीपी वाली बिंदु, वीपी वाली बिंदु, वीपी वाली बिंदु को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करा देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करा देना है। या फिर इसको ऐसे भी बोलता है, बुक में किसी किसी ऐसे भी लिखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको 90 डिग्री रोटेट करा देना है। अब डिपेंड करता है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल रहा है क्योंकि वीपी में कोई बिंदु है तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल बन रहा है कि नहीं, लाइन की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है कि नहीं, तो उसी लाइन की बात कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करा देंगे। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यही चीज़ बोल रहा हूँ, सेम चीज़ है कि वीपी से, वीपी में बनने वाली जो बिंदु होगा उसको मैं 90 डिग्री का रोटेट कराऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बात वही है, चाहे तो क्षैतिज रेखा बोल दूँ चाहे तो वीपी में स्थित बिंदु को बोल दूँ, बात एक ही है। तो देखिए इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से और इधर है, ये एच पी से ऊपर ए डैश, ये ए डैश हुआ मतलब वी पी के सामने, तो ये वाली जो बिंदु होगा इसको मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जब इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा बिंदु, ये आ जाएगा नीचे। कैसे आएगा उसको बताते हैं, देखिए लाइट भी चलेगी, ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से है तो ये वाला बिंदु वीपी वाला है, इसको 90 डिग्री रोटेट कराओ, 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 90 डिग्री, यानी इस वाली रेखा को अगर यहाँ पर आके ऐसे रख दूँ तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये वाला रेखा रोटेट नहीं कराते हैं, ये जो मेरा एच पी वाला रेखा है वो तो ऐसे ही रहेगा, उसको रोटेट नहीं कराना उस बार, एक भी बार ऊपर आगे देखते हैं, ये देखिए ये है इस तरह से। अब इस वाले बिंदु को रोटेट कराना, मैंने क्या बोला एच पी के सामने या वी पी के सामने या पीछे वाला अगर जो भी बिंदु हुआ उसको 90 डिग्री रोटेट कराना हमने, तो इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, यानी ये वाली जो लाइन है ऐसे कर दूं, ये ऐसे, तो देखो अगर रोटेट करा दिया तो ये बिंदु कहाँ आ गई, नीचे आ गई कि नहीं, ये बिंदु नीचे आ गई, तो जब नीचे आई है तो ठीक है, लेकिन जो हमारा एच पी वाला लाइन बना होता है, एच पी वाला जो हमने बिंदु दिखाया हुआ है उसी के ठीक नीचे खींचनी होती है इस तरह से, और उसको दिखानी है विदाउट डैश के साथ। क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइज करके सुन लेना आप लोग क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। साथ ही साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि एच पी वाला जैसे ही कंडीशन बोला है, एच पी वाला जैसे ही कंडीशन बोला है कि एच पी के ऊपर है या नीचे है उसको तुरंत खींच लेना है, जितना भी दूरी दिया होगा उतना दूरी दिखा के तुरंत खींच लेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए हो गया, इसको तुरंत खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए डैश, तुरंत करना है ये काम इसको, क्योंकि रोटेट नहीं कराना है, ए डैश दे देंगे। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, एच पी वी पी वाली पॉइंट को ही रोटेट करानी है, वी पी वाली पॉइंट को रोटेट करानी है, और साथ ही साथ उसको रोटेट तो करा देंगे लेकिन उसको जो दूरी मेजर करनी है वो एक्स वाई रेखा से ही मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करनी है, एक्स वाई रेखा से मेजर करनी है। जैसे अगर मान लो एच पी से 10 mm ऊपर बोला हुआ था कोई क्वेश्चन, और वी पी से, और वी पी से 5 mm पीछे, और सॉरी 5 mm आगे यानी सामने, तो यहाँ से 5 mm सामने कोई बिंदु था, मान लेते यहाँ पे कोई बिंदु ए हो गया, मैंने बोला था जो वीपी वाला बिंदु होगा उसको विदाउट डैश दिखाना है, एचपी वाले को डैश के साथ, ये 5 mm हो गया, यहाँ से 5 mm, तो मैंने बोला कि क्या कि इसको रोटेट कराना है आपको 90 डिग्री पे, रोटेट कराना 90 डिग्री पे, इसको यहाँ पे रखिए, 90 डिग्री रोटेट करा दूंगा, देखो मार्कर हमारा कहाँ आया, नीचे, तो ये बिंदु कहाँ होना चाहिए, नीचे, तो नीचे जब करेंगे तो इसी के ठीक नीचे हो जाएगा, कितना,
5 mm की दूरी पे है, इसका नाम क्या होगा ए, इस तरह से करना है, ठीक है। जैसे ये बिंदु यहाँ था तो इसको मैंने बोला 90 डिग्री रोटेट कराना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से रोटेट कराया, ये कहाँ आ गया नीचे। और इसकी दूरी कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स वाई रेखा से, हमेशा एक्स वाई रेखा से ही दूरी मेजर करेंगे। चलिए एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसके एच पी के तो ऊपर है लेकिन वी पी के पीछे, एच पी के ऊपर है और वी पी के पीछे, यानी इधर कहीं होगा, इसे भी मान लेता है कि 5 mm की दूरी पर, कितने पे है 5 mm की दूरी पर। देखिए ऐसा कंडीशन हो गया, ऐसा कंडीशन हो गया, अब इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव कराना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब रोटेट कराएंगे तो ये ऐसे आएगा कि नहीं, तो ये बिंदु कहाँ है अभी भी ऊपर ही है। देखिए ऐसे था, ऐसे था ये बिंदु, जैसे ये लाइन बना है ऐसे ही मैंने अपना मार्कर पकड़ लिया। अब क्या करना है, इसको मैंने बोला है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेट कराया, कहाँ आया, इधर ही आ रहा ना, यानी ऊपर ही आ रहा है, तो ऊपर ही आ रहा है, तो इसको ऐसे दिखाना है। मैंने क्या बोला, एक्स वाई रेखा से ही दूरी मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करनी है, एक्स वाई रेखा से ही दूरी मेजर करनी है, तो यहाँ से 5 mm मेजर कर लेंगे, कहाँ तक आ रहा है मान लेते हैं यहाँ तक आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और ये यहाँ से रच करिए, क्वेश्चन था, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और इसका नाम लिख देंगे क्या ए, और इसकी दूरी कितनी हुई, इसका नाम लिख देंगे ए, और इसकी दूरी कितनी हुई 5 mm, कितनी हुई 5 mm, इस तरह से दिखानी है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये 10 था आपका एच पी वाला लाइन 10 था और मैंने बोला था 5 mm पीछे, 5 mm पीछे बोला था, तो आप इसको रोटेट कराओ तो ऐसे हो रहा है, तो यानी कि इसी के ऊपर जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। कुछ बच्चे करते हैं कि 5 mm पीछे था, रोटेट कराया यानी ऊपर आ रहा था, तो इसी के ऊपर फिर से 5 mm जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक का फिर से 5 mm जोड़ दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, 5 mm ऐसे नहीं जोड़ना है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग बोल दिया कि जो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे एच पी चाहे वी पी का, हमेशा मेजर करेंगे कहाँ से, एक्स वाई रेखा से, एक्स वाई माने यानी कि हमारा रेफरेंस लाइन जो है उसी से मेजर करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको ऊपर जोड़ के इसी में जोड़ दूँ, ऐसा नहीं करना है कतई भी, उसको हमें करना है कि सीधे एच पी से एक्स वाई रेखा से मेजर करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि एच पी वाला हमारा नीचे हो जाएगा कि एच पी वाला ऊपर होगा। देखिए दूसरा कंडीशन एक देखते हैं, एक कंडीशन देखते हैं, जैसे बोला हुआ है ये मान लेते हैं हमारा रेफरेंस लाइन होगा, ये हमारा मान लेते हैं कि रेफरेंस लाइन होगा एक्स वाई, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया एक्स वाई। एच पी वी पी डिसाइड नहीं करना, वो बाद में बता दूंगा कैसे डिसाइड करते हैं। बोला है कि एच पी से 10 mm, सॉरी एच पी, हाँ चलो 10 mm ऊपर, तो 10 mm ऊपर आया, मैंने क्या बोला है, एच पी वाला जैसे ही कंडीशन बोलेगा उसका नाम लिखना सीधे डैश के साथ, तो ए डैश इसका नाम दे देता हूँ। उसके बाद बोला है कि वी पी से 20 mm पीछे, कहाँ वी पी से 20 mm पीछे, तो 20 mm पीछे का भैया मतलब यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल रहा है कि 20 mm है, ये चीज़ बोल रहा है। अब बोलो ये ए हो गया, अब इसको क्या करना है, रोटेट करानी है, इसको क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करानी है, तो इस तरह रोटेट कराएंगे तो कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो मैंने बोला हुआ है कि विदाउट डैश दिखानी है प्लस दूरी कहाँ से मेजर करनी है, एक्स वाई रेखा से, तो यहाँ से दूरी मेजर करेंगे 20 तक, तो 20 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए, ये हो गया ए डैश, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका था 10, क्योंकि बोला हुआ था 10 है, तो ये वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली टोटल दूरी अभी आपको बताया कि जितना mm पीछे था उतना हो जाएगा, यानी ये 20 mm हो गया इस तरह से। यानी कि क्या हुआ, देखिए एच पी वाला बिंदु कहाँ गया, नीचे आ गया ना, अब वी पी वाला कहाँ गया, ऊपर चला गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये डैश ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रोल निभाता है, डैश डैश को अगर आप भूले तो आप क्वेश्चन को गलत करोगे, अब फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमेशा याद रखना एच पी के साथ एच पी वाले बिंदु को, एच पी वाले बिंदु को हमेशा क्या दिखाना है, डैश के साथ दिखाना है, हमेशा क्या दिखाना है, डैश के साथ। अब जो वी पी वाले बिंदु होगा, वी पी वाले बिंदु को डैश नहीं दिखाना, उसे सीधे लिख देना इस तरह से, एच पी वाले बिंदु को डैश के साथ, जो वी पी वाले बिंदु होगा उसको विदाउट डैश के साथ। आज मैंने आप लोगों को ये बता दिया 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा कंडीशन, वो चीज़ हो गया। अब इसके विषय में मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, तब उसमें बताऊँगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जो इसमें प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी चीज़ें इनका इंट्रोडक्शन हुआ, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है।
कल प्रॉब्लम ले आएंगे, सारे कंडीशन के प्रॉब्लम उठा के ला देंगे और सबको बता देंगे कैसे कैसे होगा, क्या क्या सॉल्व करना है। अभी फिलहाल इतनी जितनी बताई है इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें हम बता देंगे कैसे कैसे करना है, क्या करना है। और चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए इसमें, सबसे प्रोजेक्शन की सबसे इजी पॉइंट है और सबसे बेस भी है, यही बेस यही है। अगर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया तो आगे का प्रोजेक्शन भी हमें नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें HP-VP डिसाइड करना पड़ता है और HP-VP डिसाइड होता है बिंदु के स्थिति के अनुसार, जो कि मैंने अभी आपको 8-9 कंडीशन बताया उसके अनुसार डिसाइड होता है। और वो बाकी मैं कल जब प्रॉब्लम ले आऊँगा तो उसको जब मेरी इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, पोजिशन बनवाऊँगा, उस कंडीशन में मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगा कि HP कैसा हो, कब बनेगा, कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा, कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा। देखिए हमेशा HP-VP ऐसे ही दिखाते हैं, ये हमारा लाइन हो गया, इस लाइन के रिफरेंस लाइन बोलते हैं इसको, XY लाइन बोलेंगे, इसके ऊपर VP हो सकता है, इसके नीचे HP हो सकता है, या फिर HP ऊपर हो सकता है, VP नीचे हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। वो कल बता देंगे कैसे कैसे करना है, जब वीडियो डालेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे कैसे करना है। अभी फिलहाल इतनी आप तैयार करिए, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।